हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन एचडीएस भी। आज मैं आप लोगों को क्लास फोर का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से आज का जो हमारा चैप्टर है वह है 12 और चैप्टर का नाम है पदार्थ। ठीक है, पदार्थ या इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं मैटर। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में पदार्थ क्या होते हैं, इसके क्या क्या गुण होते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है घनत्व, प्रमाण तथा पदार्थ की अवस्थाएं। आज हम लोग इन सबके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, घनत्व क्या होता है, प्रमाण तथा अणु क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। ये जो सारी चीजें हैं ये आपको कक्षा अगली कक्षाओं में भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो जो घनत्व है, घनत्व क्या होता है, आज हम लोग घनत्व, सबसे पहले हम लोग घनत्व के बारे में जानते हैं। ठीक है, घनत्व क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को द्रव्यमान बताया था। ठीक है, कि द्रव्यमान क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था ना कि पदार्थ में क्या होते हैं, द्रव्यमान होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं उनमें क्या होते हैं, द्रव्यमान होते हैं। तो द्रव्यमान क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था किसी पदार्थ में उपस्थित, ठीक है, किसी पदार्थ में उपस्थित कणों की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। कोई भी पदार्थ हो जो उसमें कण उपस्थित होते हैं उसी की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो घनत्व क्या होता है, घनत्व प्रति एकांक आयतन में, ठीक है, क्या हो गया, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही हम लोग क्या कहते हैं, उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। ठीक है, एक आयतन आया हम लोग का, आयतन क्या होता है, आयतन पदार्थ में जो पदार्थ का आयतन उसके द्वारा जो घेरा गया त्रिबिंबीय स्थान होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन क्या कहते हैं। जो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना, सभी पदार्थ क्या होते हैं, स्थान घेरते हैं, तो जो पदार्थ जो स्थान घेरता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह कि पदार्थ का आयतन उसके द्वारा घेरे गए त्रिबिंबीय क्या कहते हैं, त्रिबिंबीय स्थान को ही हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, सॉरी आयतन कहते हैं। ठीक है, तो आयतन किसे कहते हैं, आयतन आप लोगों ने जाना, पदार्थ का आयतन उसके द्वारा घेरे गए त्रिबिंबीय स्थान को ही हम लोग क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या जानना है, घनत्व जानना है। ठीक है, तो घनत्व क्या है, प्रति एकांक में, ठीक है, प्रति एकांक में आयतन में उपस्थित, ठीक है, प्रति एकांक में आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही हम लोग क्या कहते हैं, उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। घनत्व आया हम लोगों को समझ में, प्रति एकांक में, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान में, द्रव्यमान में को उस पदार्थ का क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। समझ में आया हम लोगों को, इसका सूत्र होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, ये क्या है, आयतन। तो घनत्व में घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो घनत्व का डिफिनेशन यह है कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। ठीक है, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उस पदार्थ का क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो घनत्व आया आप लोगों को समझ में, घनत्व किसे कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु में, ठीक है, किसी वस्तु के इकाई, ठीक है, किसी वस्तु के इकाई आयतन में उपस्थित उसके द्रव्यमान की मात्रा ही उसका क्या होता है, घनत्व होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, किसी भी पदार्थ के आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ठीक है, सभी पदार्थों का, जितने भी पदार्थ होते हैं सभी पदार्थों का द्रव्यमान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जितने भी पदार्थ उपस्थित हैं उसके द्रव्यमान क्या है, भिन्न भिन्न है। ठीक है, कागज की गेंद को क्या कहते हैं, जो कागज की गेंद होती है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अधिक दूरी तक फेंक सकते हैं। ठीक है, एक पंख तथा एक पत्थर लीजिए। ठीक है, जो कागज का गेंद है उसको हम लोग अधिक दूरी तक फेंक सकते हैं। एक अगर हम पत्थर लेते हैं या एक पंख लेते हैं तो ठीक है, दोनों को समान ऊंचाई से अगर फेंकते हैं तो क्या होगा, पंख और पत्थर को दोनों समान ऊंचाई से अगर फेंकते हैं तो पंख पत्थर की अपेक्षा भूमि तल पर देर से पहुंचता है।
जो पंख है वह पत्थर की अपेक्षा भूमि पर जल्दी से पहुंचता है क्योंकि पत्थर का द्रव्यमान पंख की अपेक्षा से अधिक होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा घनत्व क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि घनत्व का डिफिनेशन क्या होता है। तो आप लोग बताओगे प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा उस पदार्थ का क्या होता है, घनत्व होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रमाण तथा अणु। प्रमाण तथा अणु किसे कहते हैं? ठीक है, प्रमाण तथा अणु किसे कहते हैं? जैसा कि आप लोग नाम भी सुने होंगे परमाणु और अणु। ठीक है, इसको हम लोग अगर हम जाते हैं बड़े क्लासों में आप लोग जाओगे तो इसको आप लोग विस्तार से पढ़ोगे। परमाणु होता है उसमें नाभिक होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर में ये सब नहीं है। आप लोग जब नेक्स्ट कक्षाओं में जाओगे तो ये सारी चीजें आप लोगों को विस्तार से देखने को मिलेगा। फिलहाल हम जानते हैं कि परमाणु का डिफिनेशन क्या होता है, परमाणु किसे कहते हैं। ठीक है, परमाणु क्या होता है? किसी भी तत्व का, ठीक है, किसी भी तत्व का या पदार्थ का, किसी भी तत्व का या पदार्थ का वह छोटा सा छोटा भाग क्या है जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए, किसी भी तत्व का वह छोटा सा छोटा कण, ठीक है, किसी भी परमाणु का वह किसी भी तत्व या पदार्थ का वह छोटा सा छोटा कण जो क्या कर सकता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, परमाणु आप लोगों को समझ में आया, बट फिर से सुनिए, परमाणु किसे कहते हैं? किसी भी तत्व या पदार्थ का वह छोटा सा छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक, परमाणु का उल्टा अणु होता है। ठीक है, अणु किसे कहते हैं? किसी पदार्थ है यौगिक का, ठीक है, किसी पदार्थ है या यौगिक का वह छोटा सा छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? और एक बार फिर से सुनिए, अणु किसे कहते हैं? पदार्थ या यौगिक का वह छोटा सा छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। परमाणु क्या कर सकता है? परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। इसी तरह से जो अणु है वह क्या कर सकता है? स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये आप लोग का परमाणु और अणु आप लोग समझ गए। ठीक है, पदार्थ बहुत ही सूक्ष्म कणों से क्या से बना होता है, जो पदार्थ है उसमें बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं, उन्हीं की सहायता से क्या होता है, पदार्थ बनता है। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। लेकिन परमाणु अकेला नहीं रह सकता। ठीक है, लेकिन जो परमाणु है वह अकेला नहीं रह सकता, दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयुक्त होकर क्या कहते हैं, एक बड़ा कण बनाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जो परमाणु अकेला नहीं रह सकता, दो या दो से अधिक जो परमाणु है वह उनकी जो कण मिलकर एक बड़ा कण बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ठीक है, ये अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो परमाणु अणु आप लोगों को क्लियर हो गया, परमाणु किसे कहते हैं और अणु किसे कहते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव एंड गैस। ठीक है, तो पदार्थ की व्याख्या इसके गुणों द्वारा की जाती है। ठीक है, पदार्थ की जो व्याख्या है उसकी इसके गुणों द्वारा ही की जाती है। लोहा, दूध तथा ऑक्सीजन पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं। जो लोहा है वह ठोस अवस्था में है, जो दूध है वह द्रव अवस्था में है, और जो ऑक्सीजन है वह किस अवस्था में है, गैस अवस्था में है। ठीक है, वास्तव में पदार्थ की अवस्था सामान्य गुणों के पदार्थों का ही समूह है। ठीक है, हमारे चारों ओर, ठीक है, जो हमारे आस पास है, जो हमारे चारों ओर है, पदार्थ तीन रूपों में पाया जाता है। ठीक है, पदार्थ कितने रूपों में पाया जाता है? तीन रूपों में पाया जाता है। कौन कौन सा है? ठोस है, द्रव है, और क्या है, गैस है। ये हमारे क्या है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं।
ठीक है, कौन कौन सा है? ठोस है, द्रव है और क्या है? गैस है। यह हमारे क्या है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ठोस जो है, ठोस क्या होता है? ठोसों के अणु क्या होते हैं? परस्पर पास पास होते हैं। ठीक है, जो ठोस के अणु है, जैसे कि मान लेते हैं कोई पदार्थ है, तो जो इसके अणु है, ठीक है, जो इसके अणु है वो क्या होते हैं? इस तरह से क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं वो? एक दूसरे से इस तरह से जुड़े होते हैं। ठीक है, जो ठोस है, जो उनके अणु हैं, परस्पर क्या होते हैं? पास पास दृढ़ता से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, ये इतनी दृढ़ता से बंधे होते हैं कि ठोस एक निश्चित आकार एवं आकृति में आ जाता है। ठीक है, जो इनके अणु हैं, इतने दृढ़ता से एक दूसरे से जुड़े होते हैं कि जो इनका आकार और आयतन होता है वह क्या होते हैं? एक निश्चित होते हैं। ठीक है, उनके आकार और आकृति, एक आकार और आकृति में क्या होते हैं? जो ठोस पदार्थ है वह क्या होते हैं? आ जाते हैं। ठीक है, यह एक निश्चित स्थान घेरते हैं। यह पदार्थ जितना बड़ा होगा उतना ही क्या करेगा? यह स्थान घेरेगा। ठीक है, तो क्या होता है? यह एक निश्चित स्थान घेरते हैं। ठीक है, ठोसों के अणु, ठीक है, जो ठोसों के अणु है चारों ओर ज्यादा गति नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनमें कोई भी स्थान नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? एक दूसरे से बंधे होते हैं और बंधे होने के कारण जो इनके अणु हैं वह क्या कर सकते हैं? ज्यादा गति नहीं कर सकते हैं। तो ठोस समझ में आया आप लोगों को? जो ठोस की अणु है वह परस्पर पास पास दृढ़ता से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इतनी दृढ़ता से बंधे होते हैं कि ये ठोस एक निश्चित और आकृति में आ जाते हैं। ठीक है, यह निश्चित जो है, यह निश्चित स्थान भी घेरते हैं और इसके अणु इतने दृढ़ता से बंधे होते हैं कि यह ज्यादा गति नहीं कर सकते हैं। ठोस में जैसे हमारा क्या आ गया? लोहा आ गया। ठीक है, क्या आ गया? लोहा है, लकड़ी है। ठीक है, आदि बहुत सारी वस्तुएं हैं जो किस अवस्था में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में होती हैं। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो किस अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं। आप लोग इतना यह जानिए कि हमारे पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उनको तीन अवस्थाओं में ही में विभक्त किया गया है, ठोस, द्रव एंड गैस में। ठीक है, तो आप लोगों ने ठोस क्या होता है, ठोस समझा। अब हमारा क्या है? द्रव है। द्रव किसे कहते हैं? ठीक है, द्रव किसे कहते हैं? जो द्रवों का क्या होता है? निश्चित आकार एवं आयतन होता है। जो द्रव होते हैं उनका जो आकार है और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, लेकिन इनकी अपनी आकृति नहीं होती है। जो द्रव होते हैं उनका आकार और आयतन निश्चित होगा, परंतु जो इनका आकृति होती है वह निश्चित नहीं होती है। द्रव जिस बर्तन में हम लोग उसको क्या करते हैं, रखते हैं, वह उसी का आकार क्या करता है? धारण कर लेता है। ठीक है, द्रव उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं जिनमें उनको डाला जाता है। जैसे कि ग्लास में अगर आप पानी है, अगर उस ग्लास की पानी को हम लोग थाली में डालते हैं तो क्या करेगा? जो थाली का आकार होगा वह द्रव उसको क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा, उसी का आकार धारण कर लेगा। ठीक है, तो क्या होता है द्रव में? क्या होता है? द्रवों का निश्चित आकार एवं आयतन नहीं होता है, सॉरी, द्रवों का निश्चित और आयतन क्या होते हैं? निश्चित आकार और आयतन होते हैं, लेकिन इनकी क्या होती है? अपनी आकृति कोई नहीं होती है। उन्हें हम द्रव को जिस बर्तन में धारण कर लेते हैं उसी बर्तन का आकार वो क्या, जिस बर्तन में हम लोग इसको रखते हैं द्रव को, उसी बर्तन का आकार वो क्या करते हैं? धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि इसीलिए द्रव में अणु जो है परस्पर दृढ़ता से नहीं बंधे होते हैं। ठीक है, जो द्रव के अणु होते हैं वो क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। वह क्या होते हैं? ऐसे दूर दूर होते हैं और वह दृढ़ता से नहीं बंधे होते हैं। ठीक है, वह क्या होते हैं? दृढ़ता से नहीं बंधे होते हैं। ठीक है, वह क्या यह बह सकते हैं, इसीलिए इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ेला जा सकता है। जो द्रव के अणु है वह क्या हो सकते हैं? बह सकते हैं, इसीलिए उन्हें उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ेला जा सकता है। जैसे जल है, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? कहीं पे भी गिरा सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे हम लोग द्रव को गिराते हैं वो क्या करता है? उसी का आकार धारण कर लेता है। तो द्रव क्या होता है? द्रव हम लोग को समझ में आया,
एक बार फिर से सुनिए, द्रवों का निश्चित आकार और आयतन होता है परंतु उनका कोई भी आकृति निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है, हम लोग उन्हें जिस बर्तन में धारण कर लेते हैं वह उसी बर्तन, जिस हम लोग द्रव को जिस बर्तन में रखते हैं वह उसी बर्तन के आकार को क्या कर सकते, क्या कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। ठीक है, जो जो द्रव है उनकी जो अणु है वह परस्पर बंधे नहीं होते हैं, इसलिए उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं भी उड़े सकते हैं। तो द्रव क्या होता है, द्रव आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, तो द्रव क्या होता है, द्रव आप लोगों को समझ में आ गया। सिंपल भाषा में आप लोग द्रव क्या होता है जानिए, जो द्रव होता है इसका आकार निश्चित होता है। ठीक है, जो द्रव होता है इसका आकार निश्चित नहीं होता है, परंतु जिसको इसको हम जिस बर्तन में डालते हैं उस बर्तन में वह क्या होता है, उसी बर्तन का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, इसकी कोई आकृति नहीं होती है। अब गैस क्या होता है, ठीक है, गैस क्या होता है, जैसे कि गैस के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, गैस आसानी से अपना आकार एवं आयतन क्या करते हैं, बदल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं आपके रसोई घर में जो गैस सिलेंडर है, ठीक है, और कहीं से उसका रिसाव हो रहा है तो जो गैस होगा पूरे कमरे में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, जहां जहां तक गैस जाएगा वो क्या हो जाएगा, पूरे कमरे में फैल जाएगा। ठीक है, तो गैस क्या आसानी से अपना जो आकार है और आयतन है क्या करता है, बदल लेता है। ठीक है, यदि आप किसी गुब्बारे में वायु भरते हैं, ठीक है, यदि हम किसी गुब्बारे में क्या करते हैं, वायु भरते हैं, तो ये गुब्बारे के अंदर बाहर की अपेक्षा कम स्थान घेरती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो गुब्बारे का जो आकार है वह एक निश्चित होता है, जिसमें हम लोग जो हवा भरते हैं वो क्या करता है, वो कम स्थान घेरता है। ठीक है, बाहर की अपेक्षा क्या होता है, कम स्थान घेरता है, क्योंकि उसको खुली स्थान नहीं मिल पाता, जितने गुब्बारे में स्पेस होता है उतना ही वह क्या करता है, स्थान घेरता है। परंतु जब वही गैस बाहर होता है तो बाहर उसको बहुत सारे स्पेस मिल जाते हैं और जहां तक हो और क्या करता है, अधिक स्थान धारण कर लेता है। तो वही कह रहा है, गैस जो है आसानी से अपना आकार और आयतन क्या कर सकता है, बदल सकता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गैस के अणुओं में परस्पर आकर्षण बहुत कम होता है। ठीक है, जो गैस के अणु हैं वह परस्पर जो आकर्षण है, जैसे जो गैस के जो अणु होते हैं उनकी जो है वो क्या होते हैं, जो उनके अणु होते हैं बहुत दूर दूर तक होते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बहुत क्या होते हैं, बहुत दूर दूर तक होते हैं। तो इस तरह से दूर दूर होने की वजह से जो इनका आकर्षण है, जो उनका आकर्षण होता है वो बहुत कम होता है। ठोस में आकर्षण बहुत अधिक होता है, लेकिन गैस में इनका आकर्षण बहुत कम होता है, क्योंकि जो इनके अणु है वह एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। ठीक है, इसलिए जो इनमें इनका आकर्षण है वह बहुत ही कम होता है। ठीक है, जिस स्थान पे होते हैं, ठीक है, गैस जिस भी स्थान पे होते हैं वहां स्वतंत्र रूप से वो क्या कर सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, इसलिए गैसों का निश्चित आकार नहीं होता है। गैसों का क्या होता है, निश्चित आकार नहीं होता है, इनका निश्चित आयतन भी नहीं होता है। ठीक है, जो गैस है उनका आकार भी नहीं निश्चित होता है, जो आयतन होता है वो भी निश्चित नहीं होता है। ठीक है, ये इनका दिया जाने वाला पूरा स्थान घेरते हैं। ठीक है, इनको जो ये क्या करते हैं, पूरा स्थान घेरते हैं। ठीक है, तो ठोस द्रव गैस क्या होता है आप लोगों ने समझा। ठीक है, ठीक है, तो ठोस द्रव गैस क्या होता है आप लोगों ने समझा। ठीक है, द्रव में जैसे क्या आ जाता है, जल, दूध आदि। ठीक है, और गैस में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इत्यादि सारे जो गैसें हैं गैस में आती है। जो जल है आपका, ठीक है, जो जल है वह क्या है, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, ठोस में भी पाई जाती है, द्रव में भी पाई जाती है, गैस में भी पाई जाती है। ठीक है, अब सिंपल में देखिए ठोस क्या होता है। ठीक है, ठोस जल का जो ठोस रूप बर्फ है, जो जल का ठोस रूप क्या है, बर्फ है। जो बर्फ होता है वह ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, जो ठोस का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, ठोस का जो आकार और आयतन है वह क्या होता है, निश्चित होता है। समझ में आप लोगों को, ठोस का आकार और क्या होता है, आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, द्रव क्या होता है,
द्रव में इसका आकार निश्चित नहीं होता है, जो द्रव का है उसका आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। और गैस में क्या है, इसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, ठीक है। इनका जो गैस में है उनका आकार भी नहीं निश्चित होता और आयतन भी नहीं निश्चित होता है। तो प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों ने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, घनत्व क्या होता है और वो परमाणु क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को इस वीडियो के बारे में बताया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को अगली कक्षाओं में भी पढ़ने को मिलेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।